9 से लेकर 19 तक मति ज्ञान के भेद पढ़े, मति ज्ञान का वर्णन पढ़ा, ठीक है। 20वें सूत्र से अब हम श्रुत ज्ञान का वर्णन पढ़ेंगे, ठीक है। सूत्र है श्रुतम मति पूर्वम द्वय नेक द्वादश भेदम। अब यहाँ पर श्रुत ज्ञान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो श्रुत ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके दो भेद हैं, अनेक भेद हैं और 12 भेद हैं, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं कि वो दो भेद कैसे हो जाते हैं। तो श्रुत के अंग बाह्य और अंग प्रवृत्त, ऐसे दो भेद हो जाते हैं। हाँ, अंग बाह्य के अनेक भेद होते हैं और अंग प्रविष्ट के 12 भेद होते हैं। जो आचारांग आदि हम 12 भेद पढ़ते हैं, 12 भेद होते हैं। चलो अब इसमें अपन 12 भेद पढ़ते, 12 अंग पढ़ते हैं। आचार, आचारांग, सूत्र कृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रगति, ज्ञात्री धर्म कथांग, उपासका ध्यानांग, अंत दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग और दृष्टिवाद, ये 12 अंग होते हैं, ठीक है। अब इसमें अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट में क्या अंतर बताया, तो इसमें आचार्यों ने इतना अंतर बताया अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट में कि जो अंग प्रविष्ट है वो गणधर के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए वो अंग प्रविष्ट है, ठीक है, और जो गणधर के शिष्यों ने लिखे ग्रंथ वो अंग बाह्य है, जैसे समयसार, षटखंडागम, अष्टपाह, ये जो ग्रंथ लिखे गए ये गणधर के शिष्यों ने लिखे वो सब अंग बाह्य में जाएंगे, और अंग बाह्य अनेक प्रकार के अनेक ग्रंथ हैं। और अंग प्रविष्ट मूल ग्रंथ, बिल्कुल मूल सिद्धांत जो डायरेक्ट उन्होंने तीर्थंकर परमात्मा से सुना और गणधर परमेष्टि ने जिसको लिखा या जिसको जाना, इतना सा अंतर है दोनों में, ठीक है, इसलिए इसके दो भेद हो गए बस। यहाँ पर शुद्ध ज्ञान का इतना ही दो सूत्रों में ही वर्णन है, एक ही में, बल्कि एक ही सूत्र में शुद्ध ज्ञान हो गया पूरा। अब यहाँ पर श्लोक नंबर 21 में अवधि ज्ञान के भेद और उनके स्वामी कौन कौन होते हैं उनका वर्णन करते हैं। 21 नंबर का सूत्र है भ्रव प्रत्ययो अवधिर देव नारकाणाम। अवधिर यहाँ पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सूत्र मिला हुआ है, अगर हम इसको संधि विच्छेद कर देंगे तो अवधि और देव हो जाएगा अलग अलग। तो देव दा की मात्रा में जो ऊपर रेख की मात्रा है, संधि विच्छेद करने पर वो अवधि में विसर्ग हो जाएगा, देव नारकाणाम। हाँ ठीक है, भव प्रत्ययो, भव प्रत्ययो अवधिर देव नारकाणाम, भव प्रत्ययो अवधिर देव नारकाणाम। हाँ, इसका अर्थ यह है कि जो अवधि ज्ञान होता है वह भव प्रत्यय होता है और वो देव और नारकियों के होता है। अवधि ज्ञान के दो भेद हैं, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय, ठीक है। जो भव प्रत्यय, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है वो देव और नारकियों के होता है, होता है, और शेष जीवों के होने वाला ज्ञान दूसरा वो होता है प्रत्यय, या छह उपशम निमित्तक, या उसका दूसरा नाम छह उपशम निमित्तक है। हाँ, आप पहले वाले सूत्र में बताया कि जो भव प्रत्यय है यानी कि उस जीव की योग्यता, उस गति की योग्यता ऐसी कि वह कोई भी जीव जन्म ले वो निश्चित रूप से अवधि ज्ञान का धारी होता ही होता है, चाहे सम्यक दृष्टि हो और चाहे मिथ्या दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो। अब इनमें अंतर कैसे करेंगे, सम्यक दृष्टि उसको भी अवधि ज्ञान है, मिथ्या दृष्टि उसको भी अवधि ज्ञान, तो पता कैसे चलेगा। तो जिस जीव के जन्म लेने के साथ ही एक समय में सम्यक दर्शन हो जाता है, अवधि ज्ञान हो जाता है, तो वह जीव भव्य कहलाता है, ठीक है। और जिस जीव के छह पर्याप्ति होने के बाद अवधि ज्ञान प्रकट होता है वह जीव मिथ्या दृष्टि होता है, इतना ठीक है। अब वो तो भव का नियम है कि जो भी जीव उस गति में जन्म लेगा उसको अवधि ज्ञान होगा ही होगा, तो इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं होता है, इसमें कोई नियम रस संयम आदि देव दर्शन आदि का कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। 21-22 नंबर का सूत्र है छह उपशम निमित्त षड विकल्प शेषाराम। अब शेषाराम, शेषाराम मतलब जो शेष दो गतियां बची हुई है, देव और नारकी के अलावा जो दो गतियां बची हुई है, मनुष्य और प्रियंत,
उनमें सूक्ष्म निमित्त ज्ञान अवधि ज्ञान होता है, सूक्ष्म निमित्त का दूसरा नाम है गुण प्रत्यय, ठीक है। और षट विकल्प उसके छह भेद होते हैं, सूक्ष्म निमित्त अवधि ज्ञान के छह भेद होते हैं और वह मनुष्य और त्रियंच गति में होता है। इसके उत्पन्न होने में व्रत पूजा उपवास पाठ संयम ये निमित्त बनते हैं, ये अपने आप नहीं होता है। जब ज्ञानवर्णी कर्म का क्षयोपशम होता है तब क्षयोपशम अवधि ज्ञान प्रकट होता है, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके छह भेद पढ़ते हैं, कौन कौन से हैं। इसके छह भेद होते हैं। एक होता है अनुगामी अवधि ज्ञान। अनुगामी का अर्थ क्या होता है, जैसे सूर्य, जैसे प्रकाश सूर्य के साथ साथ चलता है, वैसे ही जो ज्ञान उस उत्पत्ति स्थान को छोड़कर दूसरे उत्पत्ति स्थान पर, उत्पत्ति के भव को छोड़कर दूसरे भव में चले जाने पर भी बना रहता है, वह अनुगामी अवधि ज्ञान है। जैसे मनुष्य पर्याय में अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ और यहाँ से मरने के बाद कोई जीव त्रियंज में उत्पन्न हुआ तो वह दूसरे भव में भी उसके साथ गया, इसको बोलते हैं अनुगामी अवधि ज्ञान, ठीक है। दूसरा होता है अनुगामी, यानी कि जहां जिस पर्याय में उत्पन्न हुआ और उसी पर्याय में खत्म हो जाएगा, दूसरी पर्याय में साथ नहीं जाएगा। क्लियर हो रहा है आंटी, है ना। तीसरा होता है वर्धमान अवधि ज्ञान, यानी कि अवधि ज्ञान जब से प्रकट हुआ उसके बाद उत्तरोत्तर बढ़ता 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 रहता है, उसे बोलते हैं वर्धमान। वर्धमान मतलब बढ़ रहा है। किसी जीव को 25 साल की उम्र में अवधि ज्ञान प्रकट हुआ तो 50 साल तक जाते जाते उसका अवधि ज्ञान और बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं वर्धमान। इसके अपोजिट होता है हीयमान। हीयमान का अर्थ होता है कि जितना उत्पत्ति हुई जो उसके बाद पर घटता जाता है अवधि ज्ञान, उसको बोलते हैं हीयमान, यानी घटते हुए क्रम में। पांचवा अवधि ज्ञान होता है अविस्थित अवधि ज्ञान, यानी कि जितना उत्पन्न हुआ मरते समय तक या पर्याय बदलेगी उस समय तक जैसा है वैसे ही रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है, अविस्थित रहता है, ठीक है। और छठा है अनविस्थित अवधि ज्ञान, यानी कि परिस्थित नहीं रहता है। उत्पत्ति के समय जितना था तो कभी बढ़ जाएगा कभी कम हो जाएगा, जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, कभी ऊंची लहरें आती हैं कभी नीची लहरें आती हैं, एक समान नहीं आती हैं। तो ये वाला अविस्थित अवधि ज्ञान कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, एक सा नहीं रहता। इस तरह से अवधि ज्ञान के यहाँ पे छह भेद कर दिए, ठीक है। दो सूत्र में पूरा अवधि ज्ञान का वर्णन, एक सूत्र में हो गया था श्रुत ज्ञान का वर्णन, इन दो सूत्र में हो गया अवधि ज्ञान का वर्णन, ठीक है। पहले इन सूत्रों को थोड़ा सा अपन अच्छे से याद कर लेते हैं। 20, 21, 22 तीन सूत्र। अभी 20, 21, 22 तीन सूत्रों को अपन अच्छे से पढ़ते हैं, रिविजन करके फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब आगे मना पर्याय ज्ञान का वर्णन आ जाएगा। इनके छह भेद के नाम भी याद कर लेते हैं अपन तब तक क्लास में। चलिए पहले तो आप 20 नंबर का श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। द्वादश भेदम इसका अर्थ बताइए आप। श्रुत ज्ञान मति, श्रुत ज्ञान होता है मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके मूल भेद दो हैं, पहले के अनेक और दूसरे के 12 भेद हैं। पहला अंग ब्राह और दूसरा अंग प्रविष्ट। अंग ब्राह जो गणधरों के द्वारा लिखा गया है ना, तो नहीं, अंग प्रविष्ट गणधर के द्वारा लिखा गया, अंग ब्राह उनके शिष्यों ने लिखा है। ठीक है, तो जो अंग ब्राह है उसके अनेक भेद है, अंग प्रविष्ट है उसके दो भेद है, अनेक 12 भेद, अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। आचारंग मैं देख के बोलूंगी, आचारंग सूत्र कृतांग तानांग समवायांग व्याख्या प्रगति अंग ग्रात धर्मकांग कथांग उपासक ध्यानांग अनंत कृदशांग अनुत्रोपादिक दशांग प्रश्न व्याकरण व्याकरणांग विपाक सूत्रांग और दृष्टि वादांग। ठीक है आंटी, अंग बाह और अंग प्रविष्ट क्या लिखा है आपने? अंग ब्राह में तो तुमने लिखा ना शिष्यों ने जो लिखा है, जैसे समय सार और ये सारे ग्रंथ लिखे हैं, कितने भेद हैं। और अंग प्रविष्ट में तुमने लिखा गंधर के द्वारा लिखे गए जो हैं। हाँ, तो अंग बाह के कितने भेद हैं?
अंग ब्राह के तो अनेक भेद हैं हाँ सही है, और अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं, 12 भेद जो 12 अंग है जिनवाणी की, ठीक है 12 अंग है जिनवाणी के। सही है, सही लिखा आपने। अब ये तो हो गया अपना श्रुत ज्ञान का वर्णन, ठीक है। हाँ अब डिटेल जाएंगे तो बहुत डिटेल खिंच जाएगा और तभी अपन को नहीं हाँ चाहिए। बहुत लंबा है तो। हाँ वो तो पूर्वांग और सारे आ जाएंगे, 14 पूर्व 11 अंग सारे हाँ। उपाध्याय के गुण सब आ जाएंगे उसमें। हाँ अब है अवधि ज्ञान के भेद 21 नंबर का सूत्र, वो बोलिए आप। 21 नंबर का भव प्रत्योबधि देव नारकाणाम। भव प्रत्ययो अबधिर, हाँ यही तो बोला मैंने, भव प्रत्यो अवधि अवधिर देव नारकाणाम। हाँ राख उच्चारण और शयोक्षम निमित्त षट विकल्प शेषाणाम। इनका अर्थ बताइए अब। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, दो प्रकार से होता है, दो प्रकार का, एक तो भव प्रत्यय नामक अवधि ज्ञान और जो नारकियों के होता है, और एक भव प्रत्यय और वो कौन सा है दूसरा, दूसरा नीचे के सूत्र में लिखा है चौपषम निमित्तक। चौपषम निमित्तम भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है जो मुख्य रूप से चौपषम के निमित्त के कारण होता है। ज्ञान में मुख्य रूप से भव ही कारण है तो उसे तो भव प्रत्यय कहते हैं, और जिसमें मुख्य रूप से शयोक्षम ही कारण निमित्त है उसे गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। और तुमने इसके बताया शयोक्षम निमित्त के 6 भेद, अनुगामी जो सूर्य के, जो जैसे सूर्य के साथ साथ ज्ञान चलता है, मनुष्य इस भाव में भी ज्ञान पाता है और अगले भाव में भी वो ज्ञान उसके साथ चलता है, कोई सा भी भाव पाले। अनुगामी जो अवधि ज्ञान दूसरे भव या क्षेत्र में जीव के साथ नहीं चलता है। वर्धमान जो अवधि ज्ञान शुक्ल पक्ष में जैसे बढ़ता ही जाता है चंद्रमा की भांति, चंद्रमा की कलाओं की भांति। और हीयमान जो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाओं की भांति घटता जाता है, ये तो मैडम ने भी बताया था इसलिए थोड़ा बहुत ध्यान है। और अव्यवस्थित जो सूर्य या मनुष्य के शरीर पर स्थित एक सा रहता है तिल के समान, जैसे तिल होता है ना शरीर पे एक, तो उसके समान एक सा रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है पत्ती के समय से। हाँ और अनवस्थित जो जल की तरंगों के भांति घटता बढ़ता रहता है, जैसे वह अनवस्थित अवधि ज्ञान है। चलो आपका ही क्लियर हो गया है ना, मना पर्याय के भेद और उनका अंतर, ठीक है। ऋजु विपुल मति मना पर्याय है, पढ़िए। ऋजु विपुल मति मना पर्याय पर्याय विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मना पर्याय ज्ञान है वह दो प्रकार का होता है, ऋजुमति और विपुलमति। विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा उनमें अंतर होता है, ठीक है। मना पर्याय ज्ञान का अर्थ है कि मन की पर्यायों का ज्ञान, किसी के मन के स्थित पदार्थों को जान लेना वह मना पर्याय ज्ञान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ऋजुमति क्या होता है और विपुलमति ज्ञान किसे कहते हैं। जो ऋजु मन के द्वारा विचारे गए, ऋजु वचन के द्वारा कहे गए और ऋजु काय के द्वारा किए गए मनोगत विषय को जानता है वह ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान है। ज्ञान होता है, होता है सरलता पूर्वक, सरलता। ऋजु मतलब होता है सरल। हाँ ऋजु मतलब होता है सरल, तो जो सरल मन से दूसरे के मन की बात जान गया वो ऋजु मना पर्याय ज्ञान। जो ऋजु वाणी के द्वारा दूसरे के मन की बात जान गया वो ऋजु वाणी वचन मना पर्याय ज्ञान। और जो ऋजु काय के द्वारा दूसरे के मन की बात को जान गया वो ऋजु काय मना पर्याय ज्ञान, ठीक है। यानी मन वचन काय से तीन भेद कर दिए ऋजु मति ज्ञान के इन्होंने। अब यहाँ पे दूसरा कह रहे हैं विपुलमति लिखा है, जो पदार्थ जिस रूप से स्थित है उसका उसी रूप से कथन करने वाले वचन को ऋजु वचन कहते हैं। यानी जो वस्तु जैसी है उसका जैसा कथन है, उसका जो भेद है, उसका जो गुण है, उसको वैसे के वैसे ही कहना वह ऋजु वचन मना पड़ेगा। तथा जो पदार्थ जिस रूप से स्थित है उसे अभिनय द्वारा उसी प्रकार से दिखलाने वाले काय को ऋजु काय कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो वस्तु जैसी है उसकी वैसी अपन को
काय के इशारा करके बता रहे हैं और सामने वाला समझ रहा है उसे वैसे के वैसे, उसको ऋजु काय कहते हैं। इस ऋजुमति मना पर ज्ञान की उत्पत्ति में इंद्रिया और मन की अपेक्षा रहती है। जो ऋजुमति मना पर ज्ञान है वो इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है, ठीक है। ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान पहले मति ज्ञान के द्वारा दूसरे के मन में स्थित उसका नाम स्मृति मति चिंता जीवन मरण इष्टार्थ के समागम का अनिष्टार्थ का वियोग सुख दुख नगर आदि की समृद्धि का विनाश आदि विषयों को जानता है। यह दूसरे के मन की सभी भावों को सभी विकल्पों को जान लेता है, ठीक है। ये तो हो गया ऋजुमति। अब यहाँ पे विपुलमति मना पर्याय की परिभाषा बताते हैं। जो मन ऋजु और अनऋजु दोनों प्रकार के मानसिक वाचनिक और कायिक मनोगत विषय को जानता है वह विपुलमति मना पर्याय ज्ञान है। इनमें से ऋजु मन वचन और काय का अर्थ अभी पीछे कहे आए हैं तथा संशय विपर्य और अनद वसाय रूप मन वचन और काय के व्यापार को अनऋजु मन वचन और काय कहते हैं। आप कह रहे हैं कि जो बातें ऋजु मन से भी जानी जाए और कठोर मन से भी जानी जाए, अनऋजु यानी कपट पूर्वक जानी जाए या कठोरता पूर्वक जानी जाए, वह विपुल मति मना पर्याय ज्ञान होता है। ऋजु मति पर्याय ज्ञान में तो सिर्फ और सिर्फ ऋजु मन की ही बातें होती, सरल मन की बातें, सरल वाणी की बातें और सरल काया की बातें। ऐसा नहीं होता है ऋजु मति मना पर्याय ज्ञान में कि हम इशारा तो कुछ और कर रहे हैं और समझाना कुछ और चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इसे तो बोलते मायाचारी करना, तो मायाचारी का तो परिणाम वक्र हो गए ना, कि मन में तो कुछ है बोल कुछ रहे हैं और इशारा किसी और चीज का ही कर रहे हैं, ये नहीं होता है। ऋजुमति में जैसा वस्तु है वैसी वस्तु को देखना, वैसी वस्तु को बोलना और वैसी अपने शरीर के द्वारा एक्टिंग करके बताना, वो ऋजुमति माना पर्याय ज्ञान होता है। विपुल मति पर्याय ज्ञान दो तरह से होता है, ऋजुमन से भी होता है और अनऋजुमन से भी होता है, यानी सरलता पूर्वक भी हो सकता है और कठोरता पूर्वक भी होता है, वक्र परिणामों से भी होता है, ठीक है। अब वक्र परिणामों से कैसे होता है, यहाँ संशय होगा, विपर्य होगा, अनद्वसाय होगा। संशय का मतलब बात में शंका होगी, पता नहीं जिनन देव की वाणी सच्ची है या नहीं, ठीक है। विपर्य होगा, बात का उल्टा अर्थ समझेंगे, विपर्य विपरीत मान्यता होगी, विपरीत अर्थ होगा। और अनद्वसाय रूप होगा, अनद्वसाय मतलब है कि नहीं है, है कि नहीं वाली स्थिति रहती है, ठीक है। तो इस तरह से इनमें अंतर होता है। इतना अंतर समझ आया आंटी, ऋजुमति विपुलमति मना पर्याय ज्ञान में। अब दोनों ज्ञान में अच्छा ज्ञान कौन सा है, श्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है अपेक्षा करने पर, तो इसमें ऋजुमति ज्ञान उत्कृष्ट होता है। जिसके और ऋजुमति ज्ञान प्रकट होता है उसका मोक्ष निश्चित होता है, लेकिन विपुलमति वाले के मोक्ष निश्चित नहीं होता है, वो जा भी सकता है मोक्ष और नहीं भी जा सकता है मोक्ष। इनकी और ये कैसे होते हैं, शुद्धता की अपेक्षा इनमें अंतर होता है, भावों की शुद्धता की अपेक्षा इनमें अंतर होता है। ऋजुमति विपुल ज्ञान है उसके परिणाम बहुत विशुद्ध होते हैं, सरल होते हैं, और जो विपुल उसके परिणाम सरल भी होते हैं और वक्र भी, दोनों तरह से हो सकते हैं, ठीक है। आंटी मैंने अभी क्या बताया बताना पढ़ के, तुमने बताया ऋजु विपुल मति मना पर्याय, मन और पर्याय ऋजु मन पर्याय मन मन पर्याय ज्ञान दो प्रकार का होता है, ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमति होता है सरलता से जो ज्ञान, मतलब जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना, देखना, सोचना उसके बारे में। और विपुलमति में तुमने बताया कुटिलता से किसी उसके बारे में संशय करना, विपर्य करना, अनर्थ व्यवसाय करना, ये है भी नहीं, उल्टा मानना उसको, संशय करना, शक करना है भी नहीं, ये सब बताया तुमने। विपुलमति ज्ञान ज्यादा उत्कृष्ट और पवित्र और शुद्ध होता है, उसको अच्छा। भी बताते होता है विपुलमति ज्ञान चीजों को बहुत ज्यादा डीपली और बारीकी से जानता है ना।
तो विपुल मति ज्ञान का धारी मोक्ष निश्चित होता है, ऋजु मति का नहीं होता। ऋजु मति ज्ञान छूट भी सकता है, लेकिन विपुल मति ज्ञान कभी नहीं छूटता, केवल ज्ञान पर्यंत साथ रहता है। विपुल मति मना पर ज्ञान, ठीक है। अंतर क्यों आया कि भाई संशय विपर्य अनद्वसाय रूप भावों से भी वस्तु को जानता है, लेकिन वहां संशय विपर्य अनद्वसाय वहां पर मिथ्यात्व का कारण नहीं है। संशय विपर्य अनद्वसाय से वस्तु के वो सच्चे स्वरूप तक जाता है, वो इसलिए उसे उस वस्तु का और डीपली और अच्छा ज्ञान, बारीक ज्ञान हो जाता है और विशुद्ध ज्ञान हो जाता है। संशय खत्म कर लिया उसने पदार्थ को जानकर, इस अपेक्षा से यहाँ पर उसको लिया है। क्लियर हुआ? पहले उल्टा लिख लिया था, अब सही कर लेना आंटी। विपुल मति ज्ञान ज्यादा पवित्र ज्यादा विशुद्ध होता है। विपुल मति ज्ञान कभी छूटता नहीं है, केवल ज्ञान पर्यंत तक रहता है साथ में। और ऋजु मति ज्ञान कदाचित उत्पन्न होने के बाद छूट भी सकता है, ठीक है। ऋजु मति परे ज्ञान के धारी का मोक्ष जाना निश्चित नहीं है, लेकिन विपुल मति मना परे ज्ञान का धारी मोक्ष जाता है, ठीक है। आज 24 सूत्र तक पढ़ लिए, कल की क्लास में पढ़ेंगे हम अवधि ज्ञान और मना परे के ज्ञान का अंतर। अभी एक साथ नहीं पढ़ा, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे हम, है ना। बस एक बार 20 सूत्र से लेके 24 सूत्र तक रिपीट कर लेते हैं, बस सूत्र सूत्र पढ़ते हैं। एक बार सूत्र पढ़िए आप, 20 से लेके 24 तक। हाँ एक मिनट, 20वां सूत्र है श्रुत ज्ञान का स्वरूप बताने वाला सूत्र। श्रुतम मति पूर्वम ध्वनि द्वादश भेदम। भव प्रत्यो प्रत्यो अवधि देव नारकाणाम शयुक्षम निमित्तः षट विकल्पः शेषाणाम। ऋजु विपुल मति मनः पर्यः और विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। ठीक है, बस इतना ही पढ़ते हैं आज। अपन अगली कक्षा में अपन अवधि ज्ञान और मना पर्याय का स्वरूप पढ़ेंगे, उनमें अंतर क्या अंतर होता है, मना पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान में अंतर क्या होता है, कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास को हम करते विराम। निज निधि निज में बताई है सुजेलो कालो सो वाणी मस्त सज सदा दे हुंदो के जिन वाणी भारती तो जप हुंदे जो तेरा शरणा कहे सुख पावे सुख चैन।